हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जावा टोकेंस के बारे में। जावा टोकेंस होते क्या हैं और कैसे ये यूज किए जाते हैं हमारे प्रोग्राम्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावा टोकेंस, है ना। जावा टोकेंस का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ ए स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ आवर कोड। दे आर, क्या डेफिनेशन है, सिंपल सा डेफिनेशन, दे आर द स्मॉलेस्ट एंटिटी यूज्ड इन आवर सोर्स कोड, है ना। दे आर इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी यूज्ड इन आवर सोर्स कोड, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंटिटी होते हैं, ठीक है। अब टोकेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे सेमी कॉलन भी लगाते हैं तो वो हमारा एक टोकन है, है ना। ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज कर रहे हैं तो वो भी हमारा टोकन है। कोई कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो वो भी टोकन है, यानी क्लास जो लिखते हैं वो भी टोकन है। तो एक स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ आवर सोर्स कोड इज कॉल्ड टोकन। अब टोकन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से हैं टोकन्स? आर डिवाइडेड, है ना, सम पार्ट्स, दे आर कौन कौन से हैं? पहला है आपका रिजर्व्ड कीवर्ड्स, यानी कि कीवर्ड्स आप ऑलरेडी जानते होंगे कीवर्ड्स क्या हैं। दूसरा जो है आपका आइडेंटिफायर्स, तीसरा है आपका लिटरल्स, फोर्थ है आपका ऑपरेटर्स, फाइव है आपका सेपरेटर्स। तो ये पांच हमारे पास क्या हैं? जावा टोकेंस हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ हमको जानना है, जावा कैरेक्टर सेट के बारे में। क्या है हमारे पास? जावा कैरेक्टर सेट, है ना, जावा कैरेक्टर सेट क्या होता है? व्हाट इज जावा कैरेक्टर सेट? तो द स्मॉलेस्ट यूनिट इन जावा लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड, जो टोकन हम कह रहे थे, इज कॉल्ड जावा कैरेक्टर सेट, है ना। तो यूज्ड टू राइट जावा टोकन्स, है ना। क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ जावा प्रोग्राम आर द, या जावा प्रोग्राम और जावा लैंग्वेज आर द कैरेक्टर्स यूज्ड टू राइट जावा टोकेंस, है ना। अब यहाँ पर क्या है हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी टोकन क्या है? तो जैसे हम कोई टोकन यूज करते हैं तो कीवर्ड आपको बार पढ़े होंगे, तो कीवर्ड में हम लोग यूज करते हैं, एक हम यूज कर रहे हैं कीवर्ड में क्लास। तो इस क्लास में आप देखिएगा तो कितने कैरेक्टर्स हैं, तो एक सी है, एक एल है, एक ए है, एक एस है, है ना। तो ये हमारे क्या कहलाए? कैरेक्टर। और इनका समूह क्या कहलाया? कैरेक्टर सेट, ठीक है। तो जावा के पास बहुत सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ये क्या करता है? यूनिकोड को फॉलो करता है। तो यूनिकोड को फॉलो करता है तो यूनिवर्सल कोड में बहुत सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं, तो उन्हीं कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर सेट, ठीक है। तो इन्हीं कैरेक्टर सेट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? जावा के टोकन्स को लिखते हैं, क्योंकि अगर कीवर्ड लिखिएगा तो कीवर्ड अकेले एक कैरेक्टर से कीवर्ड नहीं बन जाएगा, है ना। कीवर्ड बनाने के लिए हमको मल्टीपल कैरेक्टर्स को यूज करना होगा। तो ये हमको पता होना चाहिए जावा कैरेक्टर सेट क्या है। अब एक एक करके हम लोग ये जावा टोकन के बारे में पढ़ते हैं कि ये जावा टोकन्स हैं क्या, है ना। देखते हैं कि कौन कौन से टोकन्स क्या किस पर्पज़ के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जावा कीवर्ड। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं?
ऑलरेडी आपने सी और सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा कि कीवर्ड्स क्या हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो ये रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। रिजर्व्ड वर्ड कहने का क्या मतलब हुआ कि जब भी हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमारे पास एक डिक्शनरी आएगी जिसमें सारे वर्ड्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग डिफाइन होता है। अगर हमको बोलना है कि बुक को रिप्रेजेंट करना है तो किताब को, तो हम क्या बोलेंगे? बुक, है ना। किताब को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बुक। इसको कभी डॉग नहीं बोल सकते क्योंकि डॉग का अलग मीनिंग है डिफाइन। उसी तरह इसको हम मैंगो नहीं बोल सकते क्योंकि मैंगो का अलग मीनिंग डिफाइंड है। तो इसी तरह हमारे किसी भी लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग डिफाइन होता है पहले से ही, बस हम उनको यूज करते हैं, उनको समझते हैं कि उनको कहाँ कहाँ यूज करना है और वो यूज करने पर कौन सा टास्क परफॉर्म करके देंगे। तो कीवर्ड्स, उन्हीं वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो दे आर रिजर्व वर्ड्स, दे आर रिजर्व वर्ड्स, दे आर रिजर्व वर्ड्स, है ना, विच हैज सम स्पेसिफिक मीनिंग, विच हैज सम स्पेसिफिक मीनिंग इन प्रोग्रामिंग, इन प्रोग्रामिंग, जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है प्रोग्रामिंग में। दे आर रिजर्व वर्ड्स विच हैज सम स्पेसिफिक मीनिंग इन प्रोग्रामिंग, वी ओनली यूज देम टू परफॉर्म और टू सॉल्व द पर्टिकुलर, टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क, है ना। पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम उन कीवर्ड्स को सिर्फ यूज करते हैं, है ना। हम उनके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या है? वी नेवर चेंज देयर मीनिंग्स इन आवर प्रोग्रामिंग स्टाइल, बिकॉज अगर हम उनके मीनिंग को चेंज करेंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कीवर्ड्स जो हम वर्ड जो मिल रहा है, इस वर्ड के मिलने पर हमको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, क्योंकि इसका एक टास्क हमारे पास पहले से प्री डिफाइंड था, एक टास्क यूजर ने डिफाइन कर दिया, तो अब इन दोनों टास्क में से कौन सा टास्क हम परफॉर्म करें वो कन्फ्यूज हो जाएगा। तो उस केस में अगर आप जब भी मीनिंग चेंज करने की कोशिश कीजिएगा किसी भी कीवर्ड का, तो वो आपको एरर जनरेट करके दे देता है। तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड विच हैज सम स्पेसिफिक मीनिंग इन प्रोग्रामिंग, है ना। वी ओनली यूज देम इन ए स्पेसिफिक, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इन प्रोग्राम, ठीक है। तो कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं? तो जो भी हम लोग वर्ड यूज करें, जैसे क्लास यूज करते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड यूज करते हैं, फ्रेंडली यूज करते हैं, इफ, एल्स, ये सब जो वर्ड है, इफ अलग वर्ड है, एल्स अलग वर्ड है, स्विच, केस, कंटिन्यू, ब्रेक, है ना, और डिफॉल्ट, ठीक है, फोर, वाइल, डू, ये सारे जो वर्ड्स यूज होते हैं। फिर आगे जाइएगा तो स्टैटिक, ठीक है, एक्सटर्न, ठीक है, एक्सटर्न पे यहाँ यूज ही नहीं होगा जावा में, जावा में एक्सटर्न का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रजिस्टर भी नहीं है यहाँ पर, वो सब आपके सी प्लस प्लस में थे, ठीक है। तो ये सब जो कीवर्ड्स हैं वो हमारे इंटरफेस, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट भी कीवर्ड है, रिटर्न, ठीक है, ये सब क्या हैं? कीवर्ड्स हैं जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, और हम उन मीनिंग को समझने के बाद उन कीवर्ड्स को हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक एक करके यूज करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर द नेमिंग कॉन्वेंशन, है ना। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? नेमिंग कॉन्वेंशन होते हैं टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, क्लास, है ना, वेरिएबल्स, मेथड्स इन आवर प्रोग्राम, ठीक है। क्या होता है? प्रोग्राम में हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, मेमोरी रिजर्व करने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाते हैं टू एक्सेस द मेंबर ऑफ द क्लास, है ना, मेथड्स बनाते हैं तो उसका एक नाम देते हैं, तो क्लास का जो नाम होता है, ऑब्जेक्ट जिस नाम का बनाए, वेरिएबल जिस नाम का बनाए, है ना, या फिर मेथड जिस नाम का बनाए, वो सब जो नाम हम दिए जो कि यूजर डिफाइंड होता है, हमारे पर होता है कि हम क्या नाम देते हैं, वो नाम हमारा क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर, क्योंकि वो नाम उन क्लासेज, उन ऑब्जेक्ट्स, उन इंटरफेसेज, उन पैकेजेज, उन मेथड्स, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है? आइडेंटिफाई करने के काम आता है। जैसे आपका नाम आपका आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, अगर आपको कॉल करना होगा तो हम आपके नाम से आपको कॉल करेंगे, आपको बुलाएंगे। तो इसी तरह हम जब मेमोरी बनाते हैं या क्लास बनाते हैं या ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका हम कुछ नाम देते हैं ताकि उसको हम बाद में उस नाम से कॉल कर सकें।
तो वो नाम क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर्स। और ये एक यूजर डिफाइंड होता है, यानी कि ये यूजर के चॉइस पर होता है, यानी कि प्रोग्रामर के चॉइस पर होता है कि वो कौन सा नाम देना चाहता है किस पर्टिकुलर को, है ना, मेथड को क्या नाम देना चाहता है, क्लास का क्या नाम रखना चाहता है, ऑब्जेक्ट का क्या नाम रखना चाहता है, ये सब क्या होता है, प्रोग्रामर डिफाइन करता है। ठीक है, इसका कुछ रूल है। रूल क्या है, आइडेंटिफायर्स डिफाइन करते समय नाम तो दे दिया कि आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक रूल है कि कभी भी आइडेंटिफायर में किसी कीवर्ड को नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि कीवर्ड का एक मीनिंग है, और अगर आप उसको एज आइडेंटिफायर यूज करवा रहे हैं तो आप उसका क्या कर रहे हैं, मीनिंग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी अभी मैंने बताया कि हम आइडेंटिफायर के मीनिंग को चेंज नहीं, सॉरी, कीवर्ड के मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम उसको एज आइडेंटिफायर यूज करेंगे तो हम उसकी मीनिंग को चेंज करने की कोशिश करेंगे, जो कि अलाउ नहीं है। ठीक है, तो कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इफ भी एक नाम हो सकता था, है ना, एल्स भी एक नाम हो सकता था, क्लास भी एक नाम, तो उसको हम एज आइडेंटिफायर यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफायर का नेम को जनरेट मतलब बनाते समय हम कुछ बातों को और ध्यान रखेंगे। जैसे पहली बात कि इसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज कर सकते हैं, आइदर स्मॉल में कीजिए आइदर कैपिटल में कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अल्फ़ाबेट्स यूज कर सकते हैं, डिजिट्स यूज कर सकते हैं 0 से 9 तक, और स्पेशल सिंबल में आप सिर्फ यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर और डॉलर, है ना, बस ये है यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अनदर स्पेशल सिंबल जैसे क्वेश्चन मार्क, कॉलन, सेमी कॉलन, ये सब आप यूज नहीं कर सकते हैं नेमिंग कन्वेंशन में। ठीक है, तो क्या क्या यूज होगा, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स 0 से 9 तक का कॉम्बिनेशन या 0 से 9, और क्या यूज होगा, सिंबल्स में 2 सिंबल्स यूज होंगे, अंडर स्कोर और डॉलर। अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि जो भी आप नाम डिफाइन करेंगे उस नेम का जो पहला कैरेक्टर होगा वो पहला कैरेक्टर ऑलवेज क्या होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब अल्फ़ाबेट होना चाहिए कोई, या फिर अगर अल्फ़ाबेट नहीं देते हैं तो फिर सिंबल में से अंडर स्कोर या डॉलर होना चाहिए, यानी कि पहला कैरेक्टर कभी डिजिट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने इस नाम से कोई मेमोरी बनाया है N1, तो ये करेक्ट है, ये नाम एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आपने मेमोरी बना दी 1N तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज ये पहले स्पेस पर आपने डिजिट को यूज कर दिया। तो पहले स्पेस पर आप अल्फ़ाबेट्स यूज कर सकते हैं और अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं और डॉलर यूज कर सकते हैं, लेकिन इनके अलावा आप डिजिट को यूज नहीं कर सकते हैं। और फिर कुछ बचता भी नहीं है डिजिट के अलावा, फिर अनदर सिंबल को तो यूज ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नेमिंग कॉन्वेंशन के लिए, आपके पास कुछ रूल है, उस रूल को फॉलो करना है। पहला रूल, कीवर्ड को नहीं यूज करना है नेमिंग में, आइडेंटिफायर में। दूसरा रूल, कैरेक्टर, डिजिट और अंडर स्कोर और डॉलर। तीसरा रूल, पहला कैरेक्टर आपका अंडर स्कोर होगा, डॉलर होगा, या फिर अल्फ़ाबेट होगा, डिजिट दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, पांचवा हो सकता है, लेकिन पहला नहीं हो सकता है। तो ये था आइडेंटिफायर्स के बारे में। लिटरल्स, लिटरल्स क्या होते हैं, तो लिटरल्स आर द वैल्यू स्टोर्ड इन द गिवन मेमोरी लोकेशन, है ना। ये लिटरल्स क्या होते हैं, वैल्यूज होते हैं जो कि मेमोरी में स्टोर होता है। लिटरल्स कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, XYZ PQR, नेम कोई हो गया, अभिषेक, अजय, अभिनव, कुछ भी, तो वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, लिटरल्स, यानी कि वैल्यूज स्टोर्ड इन अ गिवन मेमोरी लोकेशन आर कॉल्ड लिटरल्स। ठीक है, अब लिटरल्स को भी डिफाइन किया गया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लिटरल्स को कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो अलग अलग टाइप के वैल्यूज होते हैं ना। अभी जैसे हमने बताया ना कि 9, 5, 5.2, 6.3, ABC, XYZ और अभिषेक, अजय, पटना, दिल्ली, इंडिया, कुछ भी, तो इसको भी अलग अलग डिफाइन किया गया, अलग अलग पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट हैं, तो सबसे पहले है इंटीजर लिटरल। इंटीजर लिटरल में कौन कौन से वैल्यू जाएंगे, जो विदाउट डेसिमल वाले हैं। ठीक है, फिर दूसरा होता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, है ना, फ्लोटिंग पॉइंट में इंटीजर पॉइंट वाले वैल्यूज आ जाएंगे। नेक्स्ट होता है कैरेक्टर लिटरल, कैरेक्टर में आपका क्या आ जाएगा, तो कैरेक्टर में एक एक सिंगल सिंगल कैरेक्टर, ABCD XYZ या कोई भी सिंबल्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि वर्ड, सेंटेंस, ये सब स्ट्रिंग में आ जाएंगे। बुलियन, बुलियन में आपका ट्रू और फॉल्स, बुलियन में आपका क्या आ जाएगा, ट्रू और फॉल्स। और चौथा और लास्ट क्या है आपका, नल लिटरल, जिसमें नल वैल्यू स्टोर होता है वॉइड का यूज करके। तो ये सब आइडेंटिफायर्स के टाइप्स हैं, यानी कि वैल्यूज स्टोर्ड इन अ गिवन मेमोरी लोकेशन आर कॉल्ड आइडेंटी लिटरल, ये हम यहाँ आइडेंटिफायर को रिप्रेजेंट कर दिए, ये सारा हमारा लिटरल है। ठीक है।
ना लिटरल के ये सारे टाइप्स, आइडेंटिफायर्स के नहीं, आइडेंटिफायर्स का कोई टाइप नहीं, वो तो नाम है, नेमिंग कॉन्वेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर टॉपिक हम और डिटेल में आपको नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में, बट यहाँ पर हम समझ लीजिए ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं, ठीक है, जिनका यूज़ करके हम किसी न किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 5 + 9, तो यहाँ पर ये जो प्लस ये ही है हमारा ऑपरेटर, है ना, जो किसी टास्क को परफॉर्म करे वो कहलाता है ऑपरेटर। तो यहाँ प्लस क्या करा, ये दोनों हमारा ऑपरेंड कहलाते हैं। तो ये क्या करा, ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स विच परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क विथ द ऑपरेंड्स एंड गिव सम रिजल्ट और गिव सम वैल्यू। जैसे ये 5 + 9 ये क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करके हमको 14 रिटर्न कर देगा, रिजल्ट में 14 दे देगा। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स विच परफॉर्म सम ऑपरेशन विथ ऑपरेंड्स, ठीक है, एंड गिव सम मीनिंगफुल रिजल्ट। अब ये ऑपरेटर्स अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, शिफ्ट बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम नेक्स्ट सेक्शन में या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसको आगे डिटेल में कंटिन्यू करूँगा, डिटेल में पढ़ा दूंगा। सेपरेटर्स क्या होते हैं, तो सेपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, तो सेपरेटर का नाम से ही पता चल रहा है कि वैसे पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जो कि क्या करता है, प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स या प्रोग्राम के कुछ पार्ट्स को एक दूसरे के साथ सेपरेट करता है, अलग अलग करता हो, ठीक है। तो हमारे पास सेपरेटर्स कौन कौन से यूज होते हैं, कॉमा, कॉमा भी हमारा सेपरेटर। जैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं int n1, n2, n3, यहाँ कॉमा क्या करता है, सेपरेट करता है कि n1 नाम से एक अलग बनाना है, n2 नाम से अलग मेमोरी बनाना है, n3 नाम से अलग मेमोरी बना देना है, तो ये सेपरेटर का काम करता है। सेमी कॉलन भी हम लोग यूज करते हैं। सेमी कॉलन कहाँ यूज करते हैं, तो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से सेपरेट करने के लिए हम लोग सेमी कॉलन यूज करते हैं। टर्मिनेटर भी होता है, एक स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करने का काम करता है ताकि कंपाइलर दूसरे स्टेटमेंट पर जंप करे और नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करे, ये टर्मिनेटर का भी काम करता है। तो ये सेपरेट भी कर रहा है एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से। नेक्स्ट, इसके अलावा और कौन कौन से सेपरेटर्स हैं, तो इसके अलावा भी आपके पास है, इसके अलावा आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं, जो ब्रैकेट्स आप यूज करते हैं ना, उनको भी हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटर्स में मानते हैं। तो कौन कौन से ब्रैकेट यूज करते हैं, एक पैरेंथेसिस यूज करते हैं, एक आप कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, और आप एक बिग ब्रैकेट यूज करते हैं, तो ये भी आपका सेपरेटर से ब्लॉक क्रिएट करने के लिए होता है। ये फंक्शन ब्रैकेट कहलाता है क्योंकि मेथड्स में ये वैल्यूज़ को रिसीव करने के लिए और वैल्यू को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज होता है। ये एरे ब्रैकेट कहलाता है, एरे का साइज वगैरह डिफाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं। और पीरियड, एक हम डॉट ऑपरेटर, डॉट को भी यूज करते हैं, जैसे सेपरेटर्स ये ऑब्जेक्ट या क्लास नेम के साथ क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, सेपरेटर्स हैं, जो कि क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू विथ अनदर पार्ट, और कनेक्ट करते हैं, इन्हीं का काम करते हैं। तो ये सारे हमारे सेपरेटर्स हैं। तो ये सारा हमारा क्या था, जावा टोकन, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, सेपरेटर। अब इसमें एक डेटा टाइप का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो डेटा टाइप टोकन में नहीं आएगा, वो टोकन ही है, बट वो क्या है, कुछ कैटेगरी में चला जाएगा, कीवर्ड के कैटेगरी में चला जाएगा डेटा टाइप, है ना। डेटा टाइप जितने भी है, इंट, फ्लॉट, डबल, बुलियन, कैर, स्ट्रिंग, वॉइड, ये सब हमारे क्या हैं, लॉन्ग डबल, लॉन्ग बुलियन, लॉन्ग अकेले भी लॉन्ग यूज होता है, लॉन्ग इंट, ये सब हमारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स के सेक्शन में चला जाता है वो डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि डेटा टाइप यहाँ टोकेंस में नहीं है, टोकेंस में वो जो डेटा टाइप टोकन है बट वो कीवर्ड के कैटेगरी में चला जाता है, कि वो रिजर्व वर्ड्स हैं, उनका यूज होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करवाना इन द गिवन मेमोरी नेम, ठीक है। तो डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जावा टोकेंस क्या होते हैं। अब प्रोग्राम को कैसे, सॉरी जावा को कैसे हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, यह ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है। साथ ही साथ एक मैंने प्रोग्राम लिखकर भी रन करवा के दिखाया था कि कैसे हम प्रोग्राम को नोटपैड में लिखते हैं, उसको सेव करते हैं और उसको फिर एग्जीक्यूट कैसे करवाते हैं, ये भी मैंने आपको दिखाया था। तो ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंटिंग ऑफ ए जावा प्रोग्राम और कंपाइलिंग ऑफ ए जावा प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कैसे हम कमांड लाइन में हम आर्गुमेंट को पास करेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा चीज़। इसमें आप कुछ कुछ और टर्म्स हैं जैसे डेटा टाइप्स क्या है, ठीक है, डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे वो मेमोरी को क्रिएट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और एक ऑपरेटर टॉपिक है, इसको हम लोग आगे फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस पूरे टॉपिक में आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट होगा किसी टॉपिक को समझने में, तो आप हमको कमेंट में बताएंगे, हम आपके उस डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।